गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट। मैं पिछले रात डिस्किट होटल सैंड ड्यून्स में रुका था। दो लोगों के 900 रुपये पड़े हैं, काफ़ी है, नींद काफ़ी अच्छी आई और बाहर का जो व्यू है देखिए आप लोग भी। चारों बगल कमरे में थे। तो अभी फिलहाल सुबह के 7:10 हो रहे हैं। हिरकदा ने अपना सामान को गाड़ी पे माउंट कर दिया है, मैंने अपना सामान गाड़ी से अनमाउंट किया ही नहीं था। रात में केवल ये टैंक बैग लेकर के रूम में एंट्री कर लिया था। तो आज सबसे पहला टारगेट है हम लोगों का बिस्किट मॉनेस्ट्री, देन उसके बाद चलेंगे वर्ल्ड फेमस पैंगोंग झील। वीडियो में बने रहिए। और आज की राइड बहुत ही डिफिकल्ट और चुनौतियों से भरी हुई होने वाली है। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना ही नहीं है। तो एंजॉय कीजिए और अंत तक देखिए। ये रही मेरी बात और ये रहा। गुड मॉर्निंग, कम से कम बोल दीजिए आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज कहाँ जाने वाले हैं की राइड का शुरुआत करते हैं। और हम लोगों को सबसे पहले जाना है बिस्किट मॉनेस्ट्री, लेकिन उससे पहले गाड़ी में पेट्रोल कम है, उसको टॉप अप करवाते हैं, फिर बिस्किट मॉनेस्ट्री में आपसे मिलते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो बिस्किट मॉनेस्ट्री होते हुए पैंगोंग लेक पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने लिया है राइट टुवर्ड्स तो पुक्तक। इस रूट में 1 किलोमीटर के बाद पता होता है। रेट कितना है यहाँ का? 108 1.892। बाबा रे, टोटल 1180 रुपये का तेल हुआ, सॉरी 1110 रुपये का, 528 रुपये का गाड़ी के टैंक में हुआ। और एक मैं 5 लीटर का जेरिकेन कैरी कर रहा हूँ, उसमें हुआ 578 रुपये का, 578। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 108 रुपये 92 पैसा, 92 पाइस, 108.92 रुपये पर लीटर पेट्रोल। वाह, बहुत तगड़ा वाला रेट है। हम लोग बिस्किट मॉनेस्ट्री लगभग पहुंच चुके हैं। वो देखिए
आपको शायद दिख रहा होगा, तो चलते हैं वहाँ, मिलते हैं आपसे। यही है बिस्कुट मोनेस्ट्री जाने का रास्ता। वेलकम टू बिस्कुट मोनेस्ट्री। जो एक ही है कितना कितना 30 रुपीज। कुछ कुछ चीज़ हमको जानना है आपसे, जैसे सामने जो जो नदी मिलती है यहाँ पे, ये बुद्धा जी का जो मुंह जिधर है, इन फेस जिधर है, उधर दो नदी मिलती है, एक तो है आपका अशोक और दूसरा सचन। दोनों नदी यहाँ मिली, यहाँ पे वो पहाड़ी है ना। हाँ अच्छा, दोनों नदी मिलती है, उसके बाद वो दोनों पाकिस्तान की ओर बढ़ जाती है, तुर्तुक तरफ पाकिस्तान बढ़ जाती है, सचन नदी और सियोक नदी, और दोनों मिल करके फिर सियोक ही बन जाती है, वो भी सियोक में ही मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो स्टैचू है भगवान बुद्धा का, ये कितना पुराना है? ये तो 1500 साल का है, ये तो नया है। 1500 साल का, लेकिन गूगल में लिखा हुआ 1400 साल का। हाँ वो 1400 का, वो आप गलत हो गया, ये टिकट पे ना। हाँ ये तो पुराना मंदिर है। अच्छा तो ये अभी हम नया मंदिर जाएंगे कि पुराना मंदिर जाएंगे? आप दोनों तरफ जाओ। दोनों तरफ जाएंगे, ओके ठीक है। तो अभी हम इधर जाते हैं। इसका हाइट कितना है स्टैचू का? 106 फीट। ओके अच्छा अच्छा ठीक। पैसे कितने? पैसे तो ले लो 30 रुपये। यहाँ पर 30 रुपये का टिकट लगता है। ये टिकट जो है ये एक बाइक का है या एक आदमी का? क्या है? एक बंदे का। एक बाइक पे दो बंदे रहेंगे तो 60 रुपये लगेंगे। ओके चलिए, थैंक यू। ये स्टैचू नुब्रा वैली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भगवान बुद्ध की स्टैचू है, जिसकी हाइट लगभग 130 फीट है। ओ माय गॉड, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं बिस्कुट मॉनेस्ट्री। अब यहाँ बाइक खड़ी करते हैं और चलते हैं। बुद्धा जी का फेस जिधर है, इधर यहाँ इंडस नदी और सैजन नदी दोनों मिलती है, और
एक साथ पाकिस्तान बहते हुए चले जाती है और नाम हो जाता है श्योक नदी। इस स्टैचू का हाइट है 106 फीट और इसको 2004 में बनाया गया था। बड़ा ही भव्य इस स्टैचू को मैत्री बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है और ये नुब्रा वैली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मॉनेस्ट्री है। यहाँ एक और मॉनेस्ट्री है जो कि ऊपर है, वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि लेट हो रहे हैं मुझको और पेनिंग जाना है आज। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और टूवर्ड पेंगोंग की तरफ निकलना है। तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने परिजनों अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।